हेलो फोनपस, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो मिस्टर डिलन की ओर से आया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मिस्टर डिलन लिख रहे हैं, प्लीज़ नोट इफ़ यू रजिस्टर्स इनकरेक्टली और फेसिंग विद लॉगिन इशू, प्लीज़ होल्ड ऑन, योर सोल्यूशन इज़ कमिंग। तो यहाँ पे मिस्टर डिलन लिख रहे हैं कि दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे गलती से रजिस्टर कर दिया है अपनी आईडी को इनकरेक्टली, या फिर आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का लॉगिन इशू फेस करना पड़ रहा है, तो आपको दोस्तों बार बार ट्राई नहीं करना है। प्लीज़ यहाँ पे आप होल्ड करिए, थोड़ा टाइम आप यहाँ पे आप रुकिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे उसका सलूशन आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बार बार अपना आईडी लॉगिन नहीं करना है, अगर आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा टाइम आप यहाँ पे वेट करिए। अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि जिन फाउंडर्स का आईडी क्रिएट हो गया है उनको कहाँ से लॉगिन करना है, अपना जो आईडी है कहाँ से लॉगिन करना है, और जो यूज़र रहेंगे, कस्टमर रहेंगे, उनको कहाँ से लॉगिन करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको ownpassive.com की वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपके सामने जो पेज खुल के आता है, ये वाला पेज खुल के आता है। अगर आप फाउंडर हो, ठीक है दोस्तों, अगर आप कंपनी के फाउंडर हो, तो आपको जो लिख रहा है ना यहाँ पे लिखा है लॉगिन हेयर, फाउंडिंग मेंबर्स लॉगिन हेयर, जो फाउंडर रहेंगे फाउंडर यहाँ से लॉगिन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फाउंडर यहाँ से लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन हेयर के ऊपर क्लिक करते हो, आपके सामने जो पेज खुल के आता है, ये वाला पेज खुल के आता है लॉगिन एज ए फाउंडर। तो यहाँ पे आपको अपना आईडी डालना है, जो ईमेल आईडी रहेगा आपका, यहाँ पे आपका पासवर्ड जो रहेगा, और यहाँ से आपको अपने ओएस के ऊपर लॉगिन करना है, ठीक है दोस्तों। अभी हम दोस्तों बात करेंगे कि जो कस्टमर हैं, जो यूज़र हैं, वो कहाँ से लॉगिन करेंगे अपने ओएस के ऊपर, कहाँ से लॉगिन करेंगे। तो फिर से यहाँ पे जो यूज़र हैं, कस्टमर हैं, गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ownpassive.com, और फिर से यहाँ पे जो पेज खुल के आता है वही वाला पेज खुल के आता है, बट उनको जो लॉगिन करना है उनको लॉगिन यहाँ से करना है, जो थ्री बार दिख रहे हैं ना आपको, थ्री स्लैश दिख रहे हैं यहाँ पे, उनको इसके ऊपर क्लिक करना है। जो यूज़र रहेंगे उनको यहाँ से लॉगिन नहीं करना है, उनको जो लॉगिन करना है यहाँ से करना है, जो थ्री स्लैश दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप क्लिक करते हो इसके ऊपर, आपके सामने जो पेज खुल के आता है, आपके सामने पेज खुल के आता है लॉगिन टू ओईएस। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये पेज खुल के आता है, तो आपको लॉगिन टू ओईएस के ऊपर जाना है, जो यूज़र रहेंगे उनके लिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप लॉगिन टू ओईएस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने जो पेज खुल के आता है, आपके सामने जो पेज खुल के आता है ये वाला आता है, ठीक है दोस्तों। जो यूज़र का जो पेज है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, तो यूज़र यहाँ से लॉगिन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका यहाँ पे जो भी लॉगिन का जो इशू है यहाँ पे क्लियर होगा। जिन फाउंडर्स को पता नहीं चल रहा है कि आपको कहाँ से अपना आईडी लॉगिन करना है, या फिर जो यूज़र रहेंगे उनको कहाँ से लॉगिन करना है, तो आपका जो भी यहाँ पे इशू रहेगा, ये बेसिक इशू है, बड़ा इशू तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो वीडियो है, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।